माधव, मैं शंखनाथ से पहले दोनों पक्षों की सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता। रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। क्या देखोगे पार्थ? जिसे पंछी की आंख बींधते हुए वृक्ष की डाल तक नहीं दिखाई देती, वो आज इस समय समग्र रणभूमि को क्यों देखना चाहता है? विपक्ष की सेना का परीक्षण करना चाहता हूं माधव, और अपनी सेना का भी निरीक्षण करना चाहता हूं। जानना चाहता हूं इस युद्ध में किसकी मृत्यु से धर्म की स्थापना होगी, किसकी मृत्यु से धर्म का अनुभव होगा। मैं ये जानना चाहता हूं इस महायुद्ध में मैं क्या प्राप्त करूंगा और क्या खो रहूंगा। इस युद्ध में बलिदान देने चले हो तुम पार, तो खोने पाने का क्या विचार कर रहे हो व्यर्थ? दान उसे कहते हैं जिसमें दानी खोता है और याचक प्राप्त करता है, किंतु बलिदान वो होता है जिसे दानी देता है और सारा संसार प्राप्त करता है। परंतु माधव, मैं यहां अकेले दान देने के लिए नहीं खड़ा हूं। लाखों सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए खड़े। मैं निश्चित करना चाहता हूं महायुद्ध में मैं केवल अधर्म का नाश कर रहा हूं या साथ ही साथ धर्म का भी नाश कर रहा हूं। और ये सब तुम करोगे पार्थ? निर्माण और विनाश की शक्ति है तुम्हारे पास? विनाश और निर्माण का कार्य तो स्वयं ईश्वर करते हैं पार, तुम तो केवल एक साधन। तो क्यों इन सब बातों का उत्तरदायित्व वो अपने सर पर लेकर अहंकार बढ़ा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था पार, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता है। कदापि तुम भूल गए। इसलिए देख लो पार्थ, देख लो जो देखना चाहते हो, क्योंकि दान देने से पूर्व यदि दानी के हाथ कांपे तो उसे दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। यहां युवराज दुर्योधन खड़े हैं, स्मरण करो पार्थ, पांचाली को दासी बनाकर द्यूत सभा में लाने का आदेश इन्होंने ही दिया था। यहां देखो पार्थ, ये हैं तुम्हारे मामा श्री शकुनी। आज तो इनके हाथों में तलवार है, किंतु छल से संहार करने का प्रयास करते हैं सदा। स्मरण करो कैसे इन्होंने तुम पांच भाइयों और तुम्हारी माता को वारणावर्त में भस्म करने का प्रपंच रचा था। अब इधर देखो पार्थ, दुशासन, इन्हीं हाथों ने पांचाली के केश खींचने की उदंडता की थी। महामहिम और गुरु द्रोण को देखो, मौन रहकर पांचाली का अपमान देखते रहे। उधर अश्वत्थामा को देखो और स्मरण करो किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया था उसने। क्या अब तुम्हारा हृदय प्रतिशोध से नहीं चलता पार्थ? क्या न्याय मांगने के लिए अब तुम्हारा मन नहीं तड़पता? क्या अब शस्त्र उठाने का संकल्प नहीं जन्म लेता हृदय में? क्या अब युद्ध अनिवार्य नहीं लगता? हाँ माधव, यह युद्ध अनिवार्य है। ये युद्ध तुम्हारे लिए अनिवार्य है।
तो महामहिम को एक बार पुनः देखो पार्थ, और स्मरण करो कैसे उन्होंने तुम्हें प्रेम और रक्षण दिया पद पद पर, स्वयं बलिदान देकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अधिकार दिलाने का प्रयत्न किया। एक बार पुनः गुरु द्रोण को देखो और स्मरण करो कितने गर्व और प्रेम के साथ उन्होंने तुम्हें अपना परम ज्ञान दिया था। तुम्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाने के लिए उन्होंने अपने माथे पर पाप का भार उठाया था। स्मरण करो बार, और उधर विकर्ण को भी देखो। एक वही था जिसने द्यूत सभा में विरोध करने का साहस किया था। क्या ये सब वध करने योग्य है पार्थ? नहीं माता, मैं इनका वध कैसे कर सकता? अवश्य, किंतु अपने पक्ष को भी देख लो पार्थ। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, भ्राता भीम, तुम्हारे अनुजों को देखो, तुम्हारी संतानें, तुम्हारे भतीजों को देखो। इनमें से अनेक की मृत्यु हो जाएगी इस युद्ध। इन सब की मृत्यु की संभावना से तुम्हारा हृदय दुर्बल नहीं होता पार? अब ये भी विचार करो कि भ्राता दुर्योधन का क्या दोष यदि उन्हें राज्य की लालसा। उनकी माता पहले गर्भवती बनी थी, ये सत्य है। दुशासन ने यदि पांचाली के वस्त्र खींचकर अपराध किया था, यदि वो अपराध है तो तुमने भी तो अपने ज्येष्ठ भ्राता का आदेश मानकर अपनी पत्नी का अपमान होने दिया, क्या वो अपराध नहीं था? महामहिम ने अपने प्रण को अधिक महत्वपूर्ण माना और अपनी कुल वधू की लाज को कम महत्व का जाना, क्या वो अधर्म नहीं? और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने अपने माने हुए धर्म का वहन करने के लिए द्यूत सभा में भाग लिया, क्या वो अधर्म नहीं था? तो क्या भ्राता दुर्योधन को शत्रु मानना उचित है? क्या तुम्हें अपने पक्ष में धर्म दिखाई देता है पार्थ? यथार्थ कह रहे हैं माधव, मुझे दोनों ही पक्ष में धर्म भी दिखाई दे रहा और अधर्म भी। अर्थात तुम ना युद्ध का तात्पर्य जान पाए और ना ही धर्म का स्वरूप जान पाए पार्थ। मेरी मति मंद हो गई है माधव, मेरे अंग अंग कांप रहे हैं, मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं, मेरा खंडीव मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माधव। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है, केवल भयानक विनाश। क्यों, किस हेतु माधव, किस हेतु? अपमान की पीड़ा, अन्याय का विचार या प्रतिशोध का संकल्प, ऐसा कोई कारण नहीं है मेरे पास, कोई भी कारण नहीं है माधव कि मैं इतने बड़े विध्वंस का स्वीकार कर सकूं। नहीं, विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है पार्थ।
पौधे की एक डाली काटी जाए तो दो डालियां जन्म लेती। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते? कल पुनः नवनिर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? प्ले भयम अस्मगम अपार्थ ने तत्व यूप पद्यते, ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। किस प्रकार शस्त्र उठाऊं माधव? जिनकी सेवा करना जीवन का परम सौभाग्य माना गया, ऐसे पितामह गुरु द्रोण, मामा श्री और ज्येष्ठ भ्राता के सामने शस्त्र उठाने का साहस नहीं है मेरे अंदर में मां। उनका वध करके यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो व्यर्थ है माता। माता, मनुष्य जीता है अपने भविष्य को सोच के। मैं इन सैनिकों को भी देखता हूँ माता, इन लाखों सैनिकों को देखता हूँ, मुझे ध्यान आता है युद्ध के उपरांत लाखों स्त्रियां विधवा हूं, लाखों बच्चे अनाथ हूं। कल जब समाज के नियम टूटेंगे तो परंपरा का शिक्षण देने वाला कोई नहीं, वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा माता, गुरुकुल नष्ट हो जाएगा, आर्यवर्त की सुरक्षा नष्ट हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा माधव, सब नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्तियों जैसे तर्क देते हो किंतु वास्तव में मूर्खतापूर्ण बातें करते हो पार्थ। क्या नष्ट हो जाएगा? वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाएं या नए उगाएं, उसे आनंद या दुख का कारण नहीं कहा जाता। पत्तों के जन्म का उद्देश्य और उनके जीवन का अर्थ केवल वृक्ष को जीवित रखना होता है। वैसे मनुष्यों के जन्म और जीवन का कारण वास्तव में समाज का सुख है। समाज संसार के लिए और ये सारा संसार सृष्टि के लिए और ये सारी सृष्टि स्वयं परमात्मा के लिए है पार्थ। जो इस तथ्य को जान लेता है उसे धर्म का मार्ग सदा ही स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ पार्थ, इस युद्ध में विध्वंस होगा, अवश्य होगा। किंतु ये भी जान लो कि नई परंपराओं का निर्माण भी होगा। पुरानी परंपराएं विष बन गई हैं। हजारों वर्ष पूर्व वेदों ने जिस धर्म की स्थापना की थी वो अब केवल शब्द बनकर रह गई। जो वर्ण व्यवस्था मनुष्य की बुद्धि पर आधारित थी वो आज मनुष्य के जन पर आधारित हो गई, शोषण का माध्यम बन गई है पार्थ। पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी, नई व्यवस्था का जन्म होगा। पुराना धर्म नया रूप लेकर प्रकट होगा। जिस प्रकार वर्षा ऋतु से पूर्व बादलों से छाया आकाश भी मैला दिखाई देता है और धूल से घिरी मिट्टी भी मैली दिखाई देती, वैसी ही स्थिति है आज। और वर्षा के पश्चात आकाश और पृथ्वी धुलकर स्वच्छ हो जाते हैं, वैसे इस युद्ध के पश्चात समाज और संसार धुलकर स्वच्छ हो जाएंगे पार। युद्ध के पश्चात ये संसार और समाज भी स्वच्छ हो जाएगा, इसलिए मोह का त्याग करो पार्थ,
समग्र संसार के लाभ का विचार करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध 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 करो। मैं आपकी बातें सुन पा रहा हूँ माधव, परंतु उनका अर्थ मेरे हृदय तक पहुंच ही नहीं रहा। मेरा मन मोह से गिरा हुआ है। इस प्रकार अपने धर्म का दर्शन कर, मेरा मन अपनों के विचार से भरा हुआ है। किस प्रकार सारे संसार का विचार कर, आपने कहा था कि आप मेरे रथ को उचित उचित दिशा में ले चलेंगे। ऐसा क्या जानने से मैं अपनी निर्बलता का त्याग कर पाऊंगा? उठो पार्थ, सुनो पार्थ, जीवन का रहस्य जान। संसार के वास्तविक रूप को समझो। गंगा के प्रवाह में मुट्ठी डालकर निकाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु उस हथेली की अंजलि बनाकर गंगा के प्रवाह में डाली जाए तो गंगा जल मुख तक पहुंच पाता है। विचार करो पार, अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है तुमने? इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? ये संसार क्या है पार्थ? मानव दानव पशु पक्षी जंतु कीटक मत्स्य वृक्ष, ये सब कैसे बनते हैं? किन पदार्थों से इनका जन्म होता है? कैसे चलते हैं, कैसे जीते हैं, मृत्यु कैसे होती है इनकी, और मृत्यु के पश्चात क्या होता है? इस रहस्य का विचार करो। मनुष्य की देह मिट्टी से बनी है माधव, जल उसमें रक्त आदि बनकर प्रवाह करता है, अग्नि देह को तापमान देती है और देह में रिक्त स्थानों में आकाश प्रकट होता है, अर्थात धरती वायु जल अग्नि और आकाश, इन पंच महाभूतों से ही शरीर का निर्माण हो। अर्थात महामहिम गुरु द्रोण पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से अधिक कुछ भी नहीं। धर्म ज्ञानी भी पंच महाभूत का जोड़ है और अधर्मी भी, तो मोह किसका कर रहे हो पार्थ? मिट्टी का? परंतु माधव, इस मिट्टी के देह से ही तो मनुष्य एक दूसरे का परिचय पाते हैं, सारे संबंध इस मिट्टी के देह से ही तो होते हैं। नहीं पार्थ, यदि ये सत्य होता तो मृत्यु के पश्चात देह को नष्ट क्यों किया जाता है? वास्तव में ना मनुष्य का परिचय उसकी देह से है और ना ही संबंधों का आधार उसकी देह से। मनुष्य का स्वभाव, उसके बर्ताव और उसके कार्य उसका परिचय। ये स्वभाव बर्ताव और कार्य कैसे बनते हैं, इसे समझो पार्थ। मनुष्य जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का मेल है पार्थ, किंतु फिर प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव तथा कार्य
भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। इसका कारण है सृष्टि के तीन गुण, तमस, रजस और सत्व। ये तीन गुण क्या है माधव? तमस का अर्थ होता है अंधकार, बिना अच्छे बुरे का विचार किए जीवन व्यतीत करने को तामसिक व्यवहार कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी जीते हैं केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सत्व का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश, जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का, सत्य का और परंपराओं का विचार करके व्यवहार करता है तब उसे सात्विक जीवन कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान तो है पर शरीर और मन की इच्छाओं के साथ बंधा हुआ भी है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार पूर्ण मनस्थिति के साथ जीता है। तमस, रजस तथा सत्व गुणों के अधिक या कम मात्रा के मेल से ही मनुष्य का स्वभाव बनता है। सामने देखो पार्थ, इन सब में तुम्हें कौन से गुण दिखाई देते हैं? युवराज दुर्योधन, धर्म जानते हैं परंतु वहन नहीं करते। उनके जीवन का केंद्र अहंकार अर्थात उनमें तमस कम है, रजस अधिक और सत्व गुण पूर्णता नहीं। और इस ओर राजकुमार दुशासन, इन्होंने सदैव अपने ज्येष्ठ भ्राता का आदेश माना बिना विचार, अर्थात इनमें केवल तमस। महामहिम को भी देखो पार्थ, तत्व के साथ तमस का मेल है, अहंकार नहीं है किंतु पुरातन धर्म, पुरानी परंपराओं और प्रण के साथ बंधे। आवश्यकता होने पर भी अपना प्रण नहीं तोड़ सकते। गुरु द्रोण को देखो, ज्ञान और अहंकार दोनों ही है। ज्ञान तो मनुष्य को मुक्ति दिलाता है किंतु इनका अहंकार इन्हें मुक्त नहीं होने देता। परंतु माधव, यदि यदि मनुष्य का स्वभाव इन तीन गुणों का मेल है तो फिर मनुष्य का व्यवहार पहले से ही निश्चित है। सिंह हिरण को खाएगा ही और हिरण सिंह से भयभीत ही होगा, तो फिर धर्म की प्रशंसा क्यों? अपराध का दंड क्यों? उसका क्या तात्पर्य है? उत्तम प्रश्न है पार्थ, किंतु पहले मनुष्य क्या है ये तो जान लो। मनुष्य केवल पांच महाभूत नहीं, पांच पदार्थ नहीं, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां तथा तीन गुण, ऐसी 23 वस्तुओं का मेल भी नहीं। मनुष्य को चलने फिरने तथा कार्य करने हेतु शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति को चेतना कहते हैं। तो क्या माधव, मनुष्य इसकी चेतना है? नहीं पार्थ, मनुष्य की चेतना के साथ
उन 23 वस्तुओं के मेल का नाम प्रकृति है। 24 वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है पुरुष अर्थात परमात्मा का अंश, उसे आत्मा कहा गया है। जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता है अर्थात जब परमात्मा का अंश आत्मा बनकर देह में वास करता है तब मनुष्य जीवित होता है। यह आत्मा क्या है माता, और इसे जानने का क्या उपाय? मनुष्य जैसे रथ का उपयोग करता है वैसे ही आत्मा शरीर नाम के इस यंत्र का उपयोग करती है। शरीर के माध्यम से शरीर के सुख दुख का उपभोग करती है, किंतु आत्मा शरीर नहीं पार्थ। शरीर का नाश किया जा सकता है किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। आत्मा ना शस्त्रों से छेदी जा सकती है और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती है। ना जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही पवन उसे सुखा सकती है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर। न हन्यते हन्यमाने शरीरे पार्थ, शरीर की हत्या की जा सकती है किंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। पुराना वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करती है। परंतु माधव, मैं तो जगत का अनुभव अपने शरीर के माध्यम से ही करता हूं। स्वयं को देह न जानकर मैं आत्मा कैसे जान सकता हूं? स्वयं को आत्मा के रूप में जानना असंभव भी नहीं पार्थ। अंध भी जीते हैं, गूंगे भी जीते हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं होते वो भी जीते हैं। स्पष्ट कि शरीर मनुष्य नहीं, जिसकी चेतना चली जाती है, जिसे मूर्छा आ जाती है वो भी जीवित रहता है। इसलिए स्पष्ट है कि मनुष्य का चेतन तत्व वो भी शरीर नहीं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर खोज करता है, मैं इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, विचार नहीं, ज्ञान भी मैं नहीं, जो ये समझता जाता है वो अंत में स्वयं को आत्मा के रूप में जान ही लेता है। ये आत्मा का क्या कार्य है माधव? जब पर ब्रह्म के भाग हुए पुरुष तथा प्रकृति बने तब पुरुष अर्थात परमात्मा के अंश ने आत्मा बनकर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास किया। उस आत्मा को मोह तथा अंधकार ने घेर लिया पार। उस मोह निद्रा से जागृत होकर स्वयं को परमात्मा का अंश जानना ही आत्मा का कर्तव्य उद्देश्य और जीवन कार्य। परंतु माधव, यदि हर आत्मा परमात्मा का अंश है तो क्या उन्नति और अवगति स्वयं परमात्मा कर रहे? जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा रत्न चमकता नहीं वैसे प्रकृति के 24 पदार्थों से घिरी आत्मा को विस्मरण हो जाता है कि वो परमात्मा का अंश है। अधिकतर आत्माएं अपनी देह को ही सब कुछ मानती हैं, स्वयं देह से भिन्न है ये जान ही नहीं पाती। शरीर को जो सुख दुख स्वाद गंध आदि का अनुभव होता है
उसे अपना अनुभव मान लेती और बदलाव का प्रयास ही नहीं करती। जो आत्माएं बदलाव का प्रयत्न नहीं करती, निरंतर अधर्म करती रहती है, उन्हें जागृत करने के लिए दंड देना अनिवार्य है। तुम भी ये जान लो पार्थ कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया है। इनके शरीर मरेंगे किंतु ये सब अमर, वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे। जब तक स्वयं को शुद्धात्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते रहेंगे। यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ है पार्थ। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा और जो मरता है वो अवश्य फिर से जन्म लेगा। इस महाज्ञान को सांख्य योग कहते हैं। धर्म और अधर्म क्या है माधव? जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे यह अनुभूति होती है, ये सृष्टि ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो मनुष्य ये जान लेता है वो दूसरे मनुष्य और प्राणियों की ओर निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वो दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती उसकी, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम। अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम। तो फिर अज्ञानी के प्रति तो दया होनी आवश्यक है ना? दंड का क्या तात्पर्य है? ज्ञानी जब ज्ञान का मूल्य जानने को सजना, ज्ञान पर दृष्टि डालने को भी सजना, तब दंड ही दया है। उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति सदा ही परमात्मा की ओर हो अनिवार्य, किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि अज्ञान, मोह और अधर्म बढ़ जाता है।
संसार से धर्म लुप्त हो जाने का भय उत्पन्न हो जाता है। संसार से जब धर्म लुप्त हो जाता है, करुणा भी नष्ट हो जाती है और सत्य भी नष्ट हो जाता है। आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसके लिए आज धर्मियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना अनिवार्य है। आज भी ऐसी ही स्थिति है पार्थ, और धर्म स्थापना का कर्तव्य तुम्हारा है। इसने निर्बलता का त्याग करो और इस युद्ध के लिए सज हो जाओ, और इस युद्ध के लिए सज हो जाओ। तो मेरे हाथों हत्याएं होंगी माधव, मेरे कारण किसी के प्राण जाएंगे, तो मेरे अंतर की करुणा का नाश नहीं हो जाएगा? और यदि धर्म का आधार करुणा है, तो क्या मेरी आत्मा धर्मी नहीं हो जाएगी? कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है, किंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता पार्थ। तुम्हें कर्म और कार्य के बीच क्या भेद है, ये जानना आवश्यक। सभी कर्म कार्य, किंतु सभी कार्य कर्म नहीं। कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी। मनुष्य जब भी सुख की, संपत्ति, प्रशंसा की आशा रखकर कोई कार्य करता है, तो वो उस कार्य के फल से बंध जाता है। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए, तो उसे सकाम कर्म योग कहते हैं, और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए, तो उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। किसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती। मैं कुछ भी नहीं हूं, और मैं सब कुछ। ऐसा प्रत्येक युग में हुआ है, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे पार्थ, स्वयं को मुझसे जुड़ा ही पाओगे। तब तुम भी मेरी ही भांति स्वयं को परमात्मा के रूप में देखोगे। किंतु उस पद को प्राप्त करने हेतु मेरे प्रति संपूर्ण समर्पण अनिवार्य है। समर्पण क्या है माता? समर्पण मन की ऐसी स्थिति का नाम है, जब मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है, स्वयं से किसी प्रकार के निर्णय अथवा प्रण भी नहीं लेता। जिस प्रकार के कार्य उसे दिए जाते हैं, उसी प्रकार के कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप, अपने मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, इच्छा को, आशा को, अपनी भावनाओं को, अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना। और ऐसे समर्पण को भक्ति कहते हैं। का समर्पण पति की ओर,
योद्धा का समर्पण सेनापति की ओर होता है। एक शिष्य के हृदय में गुरु भक्ति होती है। क्या ये सारी भक्तियां एक समान? क्या सबको ईश्वर की प्राप्ति होती है? नहीं पार्थ, मनुष्य जिसके प्रति समर्पित होता है उसी के रूप में ढलने लगता है। उसके मन में कोई संदेह कोई प्रश्न जन्म नहीं लेता। किसी दुष्ट के प्रति समर्पण उस मनुष्य के कार्यों को दूषित कर देता है। अंगराज कर्ण ने धर्म को जानते हुए भी द्यूत सभा में पांचाली को अपशब्द कहे थे। उसका कारण था अंगराज का भ्राता दुर्योधन के प्रति समर्पण। इस युद्ध में उन्हें जो दंड मिलेगा वो किसी जन्म या जाति के लिए नहीं अथवा एक दुष्ट के प्रति समर्पण के लिए उन्हें दंड मिलेगा। इसलिए हे धनंजय, समर्पण उत्तम के प्रति होना आवश्यक है। उसी से मनुष्य उत्तम बनता है। लोहे की माला से अपराधी बांधा जाता है, पीतल की माला से मंदिर के दीपक को बांधा जाता है और सोने की माला को आभूषण बनाकर गले में धारण किया जाता है। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती हैं पार्थ, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो परमात्मा की भक्ति होती है। किंतु परमात्मा की भक्ति का सांख्य अथवा कर्म योग से क्या संबंध है? सांख्य योग के कारण मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है। कर्म योग से वो जीवन के बंधनों से छूट जाता है और भक्ति के कारण मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जन्म मरण के फेरों से छूटकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में समाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे जल की छोटी सी बूंद जब सागर में मिलती है तो स्वयं सागर बन जाती है। अर्थात इस शरीर का कोई महत्व ही नहीं है माता? अवश्य महत्व है पार्थ। शरीर के माध्यम से ही मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मृत्यु और नए जन्म के बीच के समय में आत्मा के ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाती। इस जन्म में प्राप्त अनुभव, ज्ञान, विचार और अभ्यास को लेकर आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रगति और अधोगति शरीर में रहकर ही संभव है। परंतु माधव, यहां उपस्थित व्यक्तियों का वध करके क्या हम उनके उद्धार की संभावना को नष्ट नहीं कर देंगे? तुम्हारे शत्रु धर्म की मर्यादा को तोड़ चुके हैं पार्थ। अधर्म ही उनका स्वभाव बन गया है। उनका उद्धार अब असंभव है। अपराधी को एक सीमा तक ही उद्धार का अवसर दिया जा सकता है। मैंने शिशुपाल के 99 अपराधों को क्षमा किया था।
किंतु 100 अपराधों के पश्चात उसे दंड देना आवश्यक था। राधी को यदि अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन होता। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है धनंजय। ये आत्माएं मरेंगी नहीं, अधर्म से दूषित शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करेंगी और उस शरीर में उनकी प्रगति की संभावना अधिक होगी। इस विचार से यदि तुम युद्ध करोगे तो वो उचित है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और उसके माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध कहा गया है। मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर एक भूमि का टुकड़ा है अर्थात क्षेत्र है और वो उस शरीर में रहने वाला, उस शरीर को समझने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वो शरीर के माध्यम से अपनी प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का समतोलन करती है। तमस को घटाकर सत्व को बढ़ाने का उपाय करती है और ईश्वर की भक्ति करके परमात्मा के साथ एक हो जाती है। भक्ति कैसे की जाती है माधव? क्या समर्पण ही भक्ति नहीं? नहीं पार, समर्पण तो भक्ति का प्रथम चरण है। वास्तव में भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं, वो तो केवल मनस्थिति का नाम है। आवश्यक है कि मनुष्य जब तप, यज्ञ याग, यम नियम, योग और स्वाध्याय के माध्यम से अपने अंतर को शुद्ध करे और परमात्मा के प्रति समर्पित रहे। मनुष्य अपने सारे कार्य, सभी कार्यों के फल, अपने जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित करता रहे। यदि भक्ति केवल मन की स्थिति तो जब तब आदि का क्या महत्व है मां? जैसे आज धोया हुआ पात्र कल पुनः मैला हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन बार बार परमात्मा से विमुख हो जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि जब तप और स्वाध्याय आदि के माध्यम से स्वयं को निरंतर ये स्मरण दिलाता रहे कि उसका जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित है। किस तट पर डुबकी लगाई जाए इसका महत्व नहीं, महत्व है डुबकी लगाने का। भक्ति योग का एक ही सार है पार, कि मनुष्य परमात्मा को अपना जीवन अर्पण करके परमात्मा की भक्ति करता रहे और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है? अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति ही बेशुनम दया भूतेश्व लोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापलम तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है और उसके साथ सत्य, क्रोध ना करना, त्याग, मन की शांति, निंदा ना करना, दया भाव, सुख के प्रति आकर्षित ना होना, बिना कारण कोई कार्य ना करना,
तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म का द्रोह ना करना तथा अहंकार ना करना, इतने गुणों को सत्वगुणी संपत्ति या दैवी संपत्ति कहा जाता है। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है, जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फल की आशा का त्याग करके जीता है, उसे मैं निस्संदेह इस जन्म में संतोष देता और मृत्यु के पश्चात अपने ही अंतर में स्थान देता। का रूप कैसा है माधव? सांख्य योग के माध्यम से मैंने ये जाना कि मैं एक आत्मा हूं, अमर, और इस नश्वर शरीर में केवल कुछ समय के लिए वास करता हूं। कर्म योग के माध्यम से मैंने ये जाना कि जो फल की इच्छा का त्याग कर केवल कर्म करता है, उसे जीवन में शांति और सफलता प्राप्त। भक्ति योग के माध्यम से मैंने आपके प्रति समर्पण का महत्व जाना। परंतु माधव, आपने कहा था कि यहां हर स्थान पर मनुष्य नहीं केवल परमात्मा है। अब भी मुझे यहां केवल मनुष्य दिखाई दे रहे, केवल मनुष्य। माधव, मैं आपके वास्तविक रूप का दर्शन करना चाहता हूं। माधव, आपकी शक्ति, आपका ज्ञान, तेज और ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। माधव, मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन दीजिए। मां, मेरे सारे संदेह नष्ट कर दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। मां, देखो पा। सांख्य योग से कर्म योग, कर्म योग से भक्ति योग और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है अर्जुन। यही एक ज्ञान जो विश्व में सारे ज्ञानों तथा विज्ञानों का आधार है। यही ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है। देवताओं को भी जो दर्शन सरलता से प्राप्त नहीं होते, ऐसा वास्तविक रूप मैं तुम्हें दिखा रहा हूं अर्जुन। मैं ही इस पृथ्वी के कण कण में वास करता हूं और ये पृथ्वी, सूर्य, चंद, नक्षत्र और तारा मंडल मेरे भीतर वास करते हैं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही संपूर्ण हूं, मैं ही जीव और मैं ही शिव।
अक्षरों में आकार, वेदों में सामदेव, देवों में इंद्र, प्राणियों में चेतना, यक्षों में कुबेर, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु और ऋषियों में भृगु, ध्वनियों में ओमकार, यज्ञों में जाप और वृक्षों में पवित्र पीपल, बुद्धि में स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही, कीर्ति मैं ही, गंधर्वों में चित्र रथ, देवर्षियों में नारद और मुनियों में कपिल, अश्वों में उच्च शवा, हाथियों में ऐरावत और पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, मनुष्य में राजा और शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, सर्पों में वासुकी, शेषनाग, यमराज, वरुण देव और वायु भी मैं ही, भगवान राम, पवित्र गंगा, सृष्टि में आदि मध्य तथा अंत भी मैं ही, ब्रह्म विद्या, महाकाल और ब्रह्मा, प्रभाव, विजय, सत्व, निश्चय, दंड, शक्ति, नीति, मौन तथा तत्व ज्ञान भी मैं, वासुदेव, अर्जुन, वेद व्यास, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं, ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं, मैं ही समय हूं और मैं ही जीवन और मृत्यु हूं। अर्जुन, यहां उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बनकर खड़ा हूं। तुम यदि शस्त्र नहीं उठाओगे तब भी मैं इन सब का वध कर दूंगा, इसलिए मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य को देखो, धर्म का भार उठाओ, गांडीव उठाकर शरसंधान करो। युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। हे माता, हे मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया, कृपया अपने मनुष्य रूप में आ जाइए, मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। करिष्य वचनम तवा। Arjuna, 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 Arjuna,